हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बेकार कोई भी पैंट की मदद से बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़। आप पैंट की जगह कोई भी लेडीज़ पैंट का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप ट्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करना है, तो यहाँ पे आपको जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग करेंगे और निशान लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो मुझे इतना बड़ा बनाना है, उतने बड़े पे मैं निशान लगा लूँगी। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, आप जितना चौड़ा लेंगे उतना अच्छा ये बनकर रेडी होगा। तो ये मैंने बहुत चौड़ी पैंट ली हुई है और यहाँ से इसको अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए हो गया है। और इसके बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो मैं अब इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी है। तो लगभग 23 इंच इसकी लंबाई है। आप चाहे तो 21 इंच या 23 इंच लगभग रख सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ से अब हम इसको उल्टा करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है कुछ कुछ दूरी पर, और उसके बाद हमें सुई धागे की मदद से इसको स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने सुई में धागा लिया और इसको हम यहाँ से प्लेट्स डालकर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको पूरा स्टिचिंग करते जाएंगे। तो फिर से हमें इसको एक प्लेट डालनी है और फिर से हमें स्टिचिंग इसकी लगाते जानी है। तो ऐसे करते हुए हम पूरा इसको सिल लेंगे। तो ऐसे करते हुए हम सिलाई भी लगाएंगे, कुछ कुछ दूरी पर प्लेट्स भी डाल देंगे। देखिए, यहाँ से फिर एक प्लेट डालेंगे और फिर से हम इसकी स्टिचिंग करके इसको ऐसे खींच देंगे। तो पूरा हमें गोल राउंड करना है, उसके बाद हम इसके अच्छे से धागे को खींच ले रहा है। तो यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से इसमें हम सुई को डालेंगे अच्छे से और इस तरीके से हम पूरी इसकी सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने टाइट कर दिया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये इस तरीके का शेप आ जाएगा और एक साइड में हम इसको इस तरीके से रहने देंगे। तो देखिए, ये एक साइड में ऐसा शेप आ गया हमारा। और उसके बाद हम इसको जो है यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ से कट करने के बाद हम इसमें डोरी लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम दो तरीके से इसको बना कर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके बाद हम इसमें डोरी इन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डोरी ली हुई है, आप चाहे तो रेडीमेड या तो फिर आप कपड़े से भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है और ये देखिए, ये हो गया है। और अब हम यहाँ पे बीच के सेंटर में एक बटन बनाकर लगाना है। तो बटन बनाने के लिए आप कोई भी बेकार डिब्बे या ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक बेकार ढक्कन का यूज़ किया है और इसको हमें सर्कल शेप में कट करना है। तो यहाँ से हम इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे, देखिए। और इसके ऊपर अब हमें रुई रख देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें कॉटन रखेंगे और उसके बाद हम इसको कपड़े से कवर कर देंगे। तो देखिए ये मैंने अच्छे से कपड़े से इसको कवर कर दिया है और इसको 2-3 बार हम ऐसे राउंड घुमा देंगे जिससे कि हर तरफ से ये साइज़ में आ जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से फिक्स हो गया है और इसको हमें पूरा अच्छे से यहाँ पे रख देना है और इसको हम साइड से भी अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें सुई धागे की मदद से हमें यहाँ पे इसको सिलाई कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे हम सुई से इसको बिल्कुल पॉइंट से निकालेंगे और धागे को इस तरीके से लपेट देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल स्टोन की तरह लग रहा है। यहाँ पे मैंने शाइनी कपड़े का यूज़ किया है और इसके बाद हम यहाँ से इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए ये हो गया है, इसके बाद हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद ये हमारा बुनकर रेडी हो गया है बटन, तो अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। यहाँ से इसको लगाने के बाद हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। तो ये देखिए ये जॉइंट कर दिया है मैंने और एक साइड पे हमने बटन लगा दिया है और एक साइड पे हमने डोरी का यूज़ करा है। तो इस तरीके से ये हमारा कुशन का बसलेट का कवर बनकर रेडी हो गया है। ये बिल्कुल 100% वॉशेबल है, तो आप इसको निकाल कर अपने मसनद पे से वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसमें मसनद डाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मसनद को अंदर डाल दिया है इसमें, उसके बाद हमें बस सिंपली इसको बांध देना है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी आप मसनद का कवर बना सकते हैं और इसको वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बांध देंगे। तो देखिए ये बनकर बहुत ही इजी बिना कोई सिलाई का रेडी हो गया है। और आपको अगर इसका मसनद बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने कवर बनाया हुआ है एक पिलो का जीन्स की मदद से। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। एक साइड में मैंने बटन लगाया है और एक साइड में मैंने डोरी लगाया है और आप जब चाहे इसको निकाल कर वॉश कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। दूसरे तरीके से बनाने से यहाँ पे जो साइड वाली डोरी है वो निकाल दीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे एक और बटन लगा देंगे जिससे कि ये मसनद बनकर रेडी हो जाएगा। पर आप इसको वॉश नहीं कर पाएंगे, बस इसको कवर बनाने से आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे साइड में इसको सुई धागे से, जैसे मैंने एक साइड में लगाया हुआ था बटन सुई धागे से चुन करके, वैसे ही मैंने दूसरे साइड में प्लेट्स लगाकर दूसरे साइड में भी स्टिचिंग कर दी है सुई धागे से। तो ये हमारा बोल्स्टर पिलो बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप बोल्स्टर पिलो भी बना सकते हैं और बोल्स्टर कवर भी बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई बेकार पैंट हो तो आप उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक होता है, मोटा फैब्रिक होता है जो काफ़ी दिनों तक ये चलता है। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वेल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।